स्टार्ट करने से ही पहले बता दूं कि हम लोगों ने लास्ट मैच पर जैसा जैसा प्रिडिक्शन किया था 90% प्रिडिक्शन हम लोगों का सेम टू सेम गया है। कैसे गया मैं बता देता हूं। हमने बताया था अल्जारी जोसेफ विकेट लगा लिया था, हमने बताया था मोटी इस पे विकेट लगा लिया था, हमने बोला था यहाँ पर मेयर्स थोड़ा बहुत रिस्की प्लेयर रहेगा लेकिन ग्रैंड लीग के लिए अच्छा रहेगा, अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हमने क्या बोला था यहाँ से शेखर धवन रिस्की चॉइस रहेगा, परफॉर्मेंस दिया। हमने क्या बोला था श्रेयस अय्यर, परफॉर्मेंस दिया। हमने क्या बोला मोहम्मद सिराज, परफॉर्मेंस दिया। हमने क्या बोला युजवेंद्र चहल ने परफॉर्मेंस दिया। मतलब हमने जो भी प्रिडिक्शन लास्ट मैच पर किया सेम टू सेम प्रिडिक्शन सही गया। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों को पहले ही बोल देता हूँ कि मतलब जैसे बोलता हूँ आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूँ आपका ये चैनल फैंटेसी विनर पर। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में जो मैच खेला जाएगा सेकेंड ओडीआई मैच, आज हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों इधर उधर का बात ना करते सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे बेनू पिच रिपोर्ट क्या होने वाला है, उसके बाद देखेंगे कौन सा प्लेयर ग्रैंड लीग के लिए ट्रंप होने वाला है और कौन सा प्लेयर फ्लॉप जाने वाला है उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर हम लोग टीम क्रिएट करेंगे। ये रहेगा अपना विकेट कीपर, बैटिंग सेक्शन, ऑलराउंडर एंड बॉलिंग सेक्शन। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बेनू से। वेन्यू हम लोग का जो होने वाला है क्वींस पार्क ओवल स्टेडियम पर यह मैच होने वाला है, जो लास्ट मैच भी इसी पिच पर हुआ था। एवरेज स्कोर की अगर बात करेंगे तो 290 से लेकर 300 के आसपास आपको आंकड़ा देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर पिच रिपोर्ट की अगर बात करेंगे तो बैटिंग पिच रहने वाला है, मतलब विकेट कम गिरने वाला है और बैटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करना है यहाँ पर। फिर आपको देखने को मिल जाए पेसर, मतलब इस पिच पर विकेट किसने किसने लिया है, 60 विकेट लिया है स्पिनर ने और 70 विकेट लिया है पेसर स्पिनर ने और अरे यार पेसर यानी कि फर्स्ट गेंदबाजों ने लिया 60 विकेट और स्पिनर ने लिया 70 विकेट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पिनर को पल्ला आपको भारी देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं बता दूँ यहाँ पर स्पिन का इतना विकेट क्यों आया हुआ है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का ग्राउंड है और वेस्ट इंडीज़ का ग्राउंड पर क्या होता है कि वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर लोग खेलते हैं और बाहर से लोग आता है, मतलब अलग अलग कंट्री से। अब क्या होता है वेस्ट इंडीज़ का जो प्लेयर होता है ना वो लोग ना स्पिनर के सामने बहुत ही स्ट्रगल करते हुए देखने को मिलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विकेट स्पिनर लेकर जाता है क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर को क्या है स्पिनर खेलने में थोड़ा बहुत दिक्कत ही होता है। तो आप वेस्ट इंडीज़ के ओपोनेंट टीम से आप स्पिनर उठा सकते हो, यानी कि इंडिया की टीम से आप स्पिनर उठा सकते हो। तो चलो अभी हम लोग वेस्ट इंडीज़ का प्लेइंग 11 के ऊपर बात करेंगे और उसके साथ बात कर लेंगे कौन से प्लेयर होने वाले ट्रंप और कौन से प्लेयर होने वाले फ्लॉप। पहले आपको देखना होगा एस ओपेज 2-7 लगातार कुछ मैचों से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, फ्लॉप जा रहे हैं, लेकिन प्लेयर जो है ग्रैंड लीग के लिए ट्रंप होने वाला है। केमीआर 17-75 के साथ 0 विकेट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। एस ब्रुक्स 4-46 इसको भी ग्रैंड लीग पर ट्राई कर लेना। ब्रेंडम किंग 8-54 ठीक ठाक प्लेयर है। निकोलस पुरन 73-25 के साथ 0 विकेट, जैसे कि मैंने निकोलस पुरन के बारे में लास्ट मैच पर बताया था फ्लॉप जाएगा, फ्लॉप गया है। तो निकोलस पुरन जो है पुरन को आप ड्रॉप करके चल सकते हो, इस मैच पर भी फ्लॉप जाने का चांसेस है। रबमैन पावल की अगर बात करूँ तो 18 रन और 6 रन। अखिल हुसैन 0 विकेट 1 विकेट के साथ 32 रन। और आर से बट की अगर बात करूँ तो 19 के साथ 0 विकेट 39 के साथ 1 विकेट। अल्जारी जोसेफ 1 विकेट 2 विकेट, अल्जारी जोसेफ एक इंपॉर्टेंट सी प्लेयर रहेगा ध्यान रखना। फिर आपको देखना जी मोती 4 विकेट 2 विकेट, जी मोती भी एक इंपॉर्टेंट सा प्लेयर रहेगा ध्यान रखना। जेसिल्स 0 विकेट 0 विकेट, जेसिल्स भी ठीक ठाक प्लेयर है ग्रैंड लीग के लिए चलेगा, जेसिल्स ग्रैंड लीग के लिए चलेगा, स्मॉल लीग में प्रेफर मत करना उतना खास तरीके से। आगे हम लोग बात करेंगे इंडिया की तरफ से, इंडिया की तरफ से अगर बात कर लेंगे तो शेखर धवन 197 अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। शुभमन गिल 33-64 बहुत बढ़िया प्लेयर है। श्रेयस अय्यर 80-54 बढ़िया प्लेयर है। सूर्य कुमार यादव 16-13 सूर्य कुमार यादव को कुछ लोग ड्रॉप करके चलेगा लेकिन सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप नहीं करना है, सूर्य कुमार यादव आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है। संजू सैमसन 46-12 संजू सैमसन को ड्रॉप करके चलो अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है तो, बाद में भी करे तो भी ड्रॉप कर सकते हो। और दीपक हुडा की अगर बात करेंगे 29 के साथ 1 विकेट 27 के साथ 0 विकेट, दीपक हुडा को पिक करके चलो। रीजन में बता देता हूँ दीपक हुडा का बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है लेकिन फिर भी आप दीपक हुडा को लेकर चलो क्योंकि बॉलिंग भी डालेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अक्षर पटेल की अगर बात करेंगे तो 0 विकेट 21 के साथ 0 विकेट ड्रॉप करके चलो। सरदार ठाकुर 0 विकेट 2 विकेट पिक करके चलो ग्रैंड लीग पर भी और स्मॉल लीग पर भी। युजवेंद्र चहल 3 विकेट 2 विकेट, युजवेंद्र चहल को आप ग्रैंड लीग पर वाइस कैप्टेंसी लगा सकते हो, बढ़िया प्लेयर है, ट्रंप प्लेयर है, आपको ग्रैंड लीग तक विन करवा सकता है। मोहम्मद सिराज 2 विकेट 2 विकेट इंपॉर्टेंट है। और प्रदीप कृष्णा 0 विकेट 0 विकेट, भले ही आपको ये 0 विकेट देखने को मिल रहा है लेकिन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ प्रदीप कृष्णा का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बेहतरीन है, मतलब प्रदीप कृष्णा जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ
लास्ट जो सीरीज हुआ था उस पर प्रदीप कृष्णा ने 3 विकेट 4 विकेट 3 विकेट 4 विकेट ऐसा करके लेकर गया था। तो प्रदीप कृष्णा हम लोगों के लिए ट्रंप प्लेयर बन सकता है ग्रैंड लीग के लिए। अभी हम लोग टीम की तरफ बढ़ेंगे। टीम की तरफ बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, आप अगर चैनल पर नया विजिट कर रहे हो तो जरूर से जरूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फायदा मैं बता देता हूँ। जैसे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे फुल एंड फाइनल जो टीम है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि मान के चलो ये हमने पिच रिपोर्ट आपको बताया, अगर पिच में थोड़ा सा भी कहीं भी चेंजेस होता है उसका अपडेट के लिए तो मैं वीडियो फिर से नहीं डाल सकता, तो उसका अपडेट के लिए मैं क्या करता हूँ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देता हूँ कि क्या चेंजेस आया हुआ है और क्या चेंजेस नहीं हुआ है, तो वो सारा अपडेट मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो टेलीग्राम पर जरूर से जरूर जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उसके साथ साथ फर्स्ट कमेंट पर भी मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग टोटल 4 टीम रेडी करेंगे। 4 टीमों में से 3 रहेगा ग्रैंड लीग और 1 रहेगा स्मॉल लीग का टीम कॉम्बिनेशन। तो पहले हम लोग स्मॉल लीग का टीम कॉम्बिनेशन रेडी करेंगे, फिर आगे जाकर ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन भी रेडी कर लेंगे। तो चलो हम लोग ग्रैंड लीग का टीम का सॉरी स्मॉल लीग का टीम कॉम्बिनेशन रेडी कर ले। ये रहा अपना विकेट कीपर। अब विकेट कीपर में किसको लेना है, विकेट कीपर में है कौन कौन, होप एक है और यहाँ से अपना संजू सैमसन एक है, तो दो बैट्समैन हम लोगों को देखने को मिल जाएगा विकेट कीपिंग सेक्शन में। अब विकेट कीपिंग सेक्शन में मेरा ख्याल से यहाँ पर एस होपी को लेकर चलना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ट्रंप प्लेयर है ग्रैंड लीग, कभी भी आपको स्मॉल लीग पर भी इसको ट्राई कर सकते हो रिस्की प्लेयर के लिए। एसओपी को ले लिया। अब बचा 4 बैटिंग सेक्शन। 4 बैटिंग सेक्शन में क्या करने वाला हूँ, शेखर धवन, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव। मैं यहाँ से ट्राई करूँगा शेखर धवन, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव। शेखर धवन, सूर्य कुमार यादव एंड शुभमन गिल हो गया ये अपना 3 बैटिंग सेक्शन। बचा लास्ट एक बैटिंग सेक्शन पर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट एक बैटिंग सेक्शन पर हम लोग ले लेंगे निकोलस पुरन, क्योंकि ये बॉलिंग भी डाल सकता है। तो निकोलस पुरन को आप ले सकते हो ग्रैंड लीग के लिए, लेकिन मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ और निकोलस पुरन की जगह पर मैं ट्राई करूंगा एस ब्रुक्स को, एस ब्रुक्स है ना। अब बचा 2 ऑलराउंडर सेक्शन। ऑलराउंडर पर कौन कौन है, ऑलराउंडर पर आपको देखना होगा शेफर्ड, यहाँ से देखना मेयर्स, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा दीपक हुडा, अक्षर पटेल। तो 4 ऑलराउंडर आपको देखने को मिल रहा है, तो 4 में से हम लोगों को कितना उठाना है, 2 उठाना है। तो 2 किस किस को उठाया जाए, तो 2 जो ऑलराउंडर होगा वो होगा ये रहा आर शेफर्ड एक और के मेयर्स एक, 2 ही इधर से लूंगा आर शेफर्ड एंड के मेयर्स हो गया। अब बचा 4 बॉलिंग सेक्शन। 4 बॉलिंग सेक्शन पर किसको लेने वाला हूँ मैं। 4 बॉलिंग सेक्शन पर पहला जो मैं लूंगा जी मोटी। यहाँ पर अलजरी जोसेफ भी एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस प्लेयर है, ये चीज़ ध्यान देना, अलजरी जोसेफ ठीक है ना। अब बचा 3 बॉलिंग ऑप्शन। 3 बॉलिंग ऑप्शन पर हम लोग किसको लेने वाले हैं। 3 बॉलिंग ऑप्शन पर हम लोग लेंगे एवंदर चहल को एक और दूसरा ले लेंगे सरदल ठाकुर को एक। एवंदर चहल एक, सरदल ठाकुर एक। अब बचा लास्ट एक ऑप्शन, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग बैटिंग सेक्शन में शिफ्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग ले लेंगे श्रेयस अय्यर को, श्रेयस अय्यर। ये हो गया हम लोगों का टीम कॉम्बिनेशन। आपको समझ में आया, अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। जैसे आप मैसेज करोगे जो भी प्रॉब्लम हो रहा है प्रेडिक्शन को समझने में आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आप लोगों का प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर दूंगा। तो चलो अभी हम लोग ग्रैंड लीग के टीम कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ही ग्रैंड लीग के टीम कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ेंगे आपको पहले ही देखने को मिल जाएगा विकेट कीपर सेक्शन। विकेट कीपर पहले फील कर लेते हैं। विकेट कीपर में हम लोग किसको ट्राई करेंगे, संजू सैमसन ग्रैंड लीग पर। अब बचा 4 बैटिंग सेक्शन। 4 बैटिंग सेक्शन पर क्या करेंगे, शेखर धवन को हम लोग ड्रॉप मारेंगे, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर एंड सूर्य कुमार यादव को ट्राई करेंगे। शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर एंड कौन, सूर्य कुमार यादव, ये 3 हम लोग ग्रैंड लीग पर ट्राई करेंगे। अब बचा लास्ट एक ऑप्शन। लास्ट एक ऑप्शन में हमने हर जगह एस ब्रुक्स को लेकर चला है, इस बार हम लोग ले लेंगे ब्रेंडम किंग को, ब्रेंडम किंग। अब बचा 2 ऑलराउंडर सेक्शन। 2 ऑलराउंडर सेक्शन पर हम लोग क्या करेंगे, सेम रखेंगे आर शेफर्ड एंड के मेयर्स, आर शेफर्ड एंड के मेयर्स। ये हो गया अपना टीम कॉम्बिनेशन। अब बचा बॉलिंग सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंस होने वाला है, इसके ऊपर नजर डालना। हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पर सरदल ठाकुर, एवंदर चहल एंड मोहम्मद सिराज, ये 3 को लेंगे, सरदल ठाकुर, एवंदर चहल एंड मोहम्मद सिराज। ये रहा अपना सरदल ठाकुर, मोहम्मद सिराज एंड एवंदर चहल। बचा फिर भी एक ऑप्शन, ये जो एक वाला ऑप्शन है इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑलराउंडर में शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग दीपक हुडा को, दीपक हुडा। समझ में आया ना, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वहाँ पर से जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि कौन सा चीज़ आपको समझ पर नहीं आया। अभी मैं स्मॉल लीग का कैप्टन वाइस कैप्टनसी बता देता हूँ। स्मॉल लीग का कैप्टन होगा शेखर धवन,
वाइस कैप्टनसी आप बना लो यहाँ पर शुभमन गिल, वाइस कैप्टनसी बना लो आप युजवेंद्र चहल, वाइस कैप्टनसी बना लो आप आर सेफर्ड। ये कुछ प्लेयर रहेगा जिन लोगों का आप वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग पर, ठीक है, सॉरी स्मॉल लीग पर। और फाइनल का जो टीम है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो अभी हम लोग ग्रैंड लीग का टीम पहला दूसरा ओवर रेडी कर लिया, अभी हम लोग तीसरा ओवर ग्रैंड लीग की टीम की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा ओवर ग्रैंड लीग का टीम हम लोगों का कैसे होने वाला है, हम लोगों ने ये सबको भी लिया, यहाँ से हम लोग संजू सैमसन को भी लिया, इस बार हम लोग ले लेंगे सिर्फ और सिर्फ एसओपी को। एसओपी ले लिया, चार बैटिंग सेक्शन है, चार बैटिंग सेक्शन पर हम लोग क्या करेंगे देख लो, चार बैटिंग सेक्शन में चार के चार बैटिंग हम लोग इंडिया की तरफ से लेंगे, शेखर धवन, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर एंड सूर्य कुमार यादव, ठीक है। ये रहा, हमने क्या किया था लास्ट टीम पर, शेखर धवन को छोड़ा था, तो इस बार शेखर धवन को नहीं, इस बार हम लोग शुभमन गिल को छोड़ेंगे, शेखर धवन, श्रेयस अय्यर एंड सूर्य कुमार यादव रखेंगे। ये रहा श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल को छोड़ रहे, शेखर धवन और किसको रखेंगे, सूर्य कुमार यादव, ठीक है ना। ये होने वाला हम लोगों का टीम, हमने शुभमन गिल को सब में लिया है, इस बार हम लोगों ने शुभमन गिल को छोड़ दिया है। अब बचा लास्ट एक ऑप्शन बॉलिंग बैटिंग सेक्शन में, ये हम लोग ट्राई कर लेंगे निकोलस पूरन। अब बचा ऑलराउंडर सेक्शन, ऑलराउंडर पर क्या करेंगे, इस बार हम लोग के मेयर्स को छोड़ेंगे और यहाँ से ले लेंगे आर सेफर्ड, आर सेफर्ड। अब बचा लास्ट एक ऑलराउंडर सेक्शन, लास्ट एक ऑलराउंडर जो सेक्शन है इसको हम लोग लास्ट में फिल करेंगे, अभी हम लोग फिलहाल चलते हैं बॉलिंग सेक्शन पर। बॉलिंग सेक्शन पर हम लोग क्या करेंगे, सरदल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज हो चुका है, अब बचा प्रदीप कृष्णा, मोहम्मद सिराज एंड युजवेंद्र चहल बचा है, तो इस बार हम लोग ये ट्राई करेंगे प्रदीप कृष्णा, मोहम्मद सिराज एंड युजवेंद्र चहल। ये रहा अपना प्रदीप कृष्णा, मोहम्मद सिराज एंड युजवेंद्र चहल, है ना, होगा अपना तीन बॉलिंग सेक्शन। अब बचा ये एक बॉलिंग ऑप्शन और ये एक ऑलराउंडर ऑप्शन, अभी भी दो बचा हुआ है, ये दो में क्या करेंगे, ये जो ऑलराउंडर सेक्शन है इसको हम लोग ऑलराउंडर में ही ले लेंगे, लेकिन ऑलराउंडर पर है कोई नहीं है, तो यहाँ सर हम लोग ले लेंगे अखिल हुसैन को, बॉलिंग पर ही ले लेंगे अखिल हुसैन को, बॉलिंग पर ले लिया हमने अखिल हुसैन को, और एक बचा है ऑलराउंडर सेक्शन। ये ऑलराउंडर को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बैटिंग में शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे रबमैन पॉवेल को। ये होने वाला हम लोगों का ग्रैंड लीग टीम कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अगर इसी तरह का आपको आगे भी अपडेट चाहिए कि हाँ भाई मुझे ऐसा प्रिडिक्शन चाहिए, अगर अच्छा लगा है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, तो क्या होगा कि जैसे ही मैं नेक्स्ट कोई वीडियो अपलोड करूंगा ना, फर्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जाएगा। और हाँ, और एक चीज़ बता दूं जो इंपॉर्टेंट है, मैंने जो नया फ़ोन खरीदा है आज उसी फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बताना कि वीडियो कैसा लगा है, यानी कि वीडियो का क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी जो होता है वो कैसा हुआ है, पहले से बेहतर है कि पहले की तरह आई है, वो थोड़ा इन्फॉर्म कर देना। तो चलो अभी हम लोग चौथे टीम की तरफ बढ़ेंगे, चौथा एंड लास्ट टीम की तरफ, चौथा एंड लास्ट टीम की तरफ हम लोग क्या करेंगे, फिर से संजू सैमसन को ले लेंगे। अब बचा अपना बॉलिंग बैटिंग सेक्शन, बैटिंग सेक्शन पर हमने क्या किया, एक बार धवन को छोड़ा, एक बार शुभमन गिल को छोड़ा, इस बार क्या करेंगे, इस बार हम लोग श्रेयस अय्यर को छोड़ देंगे, श्रेयस अय्यर को भी मतलब एक में भी नहीं छोड़ा है, तो इस बार श्रेयस अय्यर को छोड़ेंगे, शेखर धवन, शुभमन गिल एंड सूर्य कुमार यादव, शेखर धवन, शुभमन गिल एंड सूर्य कुमार यादव, इस बार हमने किसको छोड़ा, श्रेयस अय्यर को छोड़ा, हर टीम में श्रेयस अय्यर रखा है, इस बार हम लोग श्रेयस अय्यर को छोड़ दिया। अब बचा बैटिंग सेक्शन, बैटिंग सेक्शन पर इस बार हम लोग ट्राई कर लेंगे ब्रेंडम किंग, ब्रेंडम किंग। अब बचा दो ऑलराउंडर सेक्शन, दो ऑलराउंडर सेक्शन पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे एक केमेयर्स को, केमेयर्स, और दूसरा ले लेंगे हम लोग इधर से दीपक हुडा को। ये रहा अपना दीपक हुडा। अब बचा चार बॉलिंग सेक्शन, चार बॉलिंग सेक्शन में देखो हमने क्या क्या प्रिडिक्शन रेडी किया, मतलब कम्बिनेशन रेडी किया, सरदार ठाकुर, चहल, मोहम्मद सिराज, प्रदीप कृष्णा, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल, ये मतलब हम लोगों ने रेडी किया। इस बार देखो इस बार क्या करेंगे, चहल को एक में भी नहीं छोड़ना, चहल ड्रीम टीम का प्लेयर बन चुका है ऑलरेडी, चहल जो है ड्रीम टीम का ऑलरेडी प्लेयर बन चुका है, तो चहल को किसी में भी ड्रॉप मत करना। अब बचा है कौन, प्रदीप कृष्णा, युजवेंद्र चहल एंड सरदार ठाकुर, ये प्रिडिक्शन बचा है, कॉम्बिनेशन बचा है, तो इस बार हम लोग प्रदीप कृष्णा को ले लेंगे, चहल को ले लेंगे और सरदार ठाकुर। प्रदीप कृष्णा, चहल और सरदार ठाकुर, हो गया अपना टीम कॉम्बिनेशन। अब बचा है लास्ट एक बॉलिंग सेक्शन, लास्ट एक बॉलिंग सेक्शन पर हम क्या करने वाले हैं, ये होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंसी। लास्ट एक बॉलिंग सेक्शन पर हम लोग क्या करेंगे, इसको भी ऑलराउंडर सेक्शन में शिफ्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग ले लेंगे आर सेफर्ड। ये होने वाला है हम लोगों का टीम कॉम्बिनेशन। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, आज का वीडियो भले ही थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे भी कहीं निकलना है, शादी है मेरा
भैया का, तो मैं निकलने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है आप लोगों को समझने में कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो आप मुझे सीधा इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड किया गया है। तो देर ना करते फटाफट जाकर आप इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज कर दो, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी हम लोग देख लेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन से कौन कौन इंपॉर्टेंट होने वाला है, कौन कौन डिसइंपॉर्टमेंट मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। पहला तो हम लोग करेंगे सेफ, दूसरा करेंगे हम लोग रिस्की टीम मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन से चूज। सेफ में कौन कौन आता है देख लेते हैं। शेखर धवन एक, शुभमन गिल एक, श्रेयस अय्यर एक, बस तीन यहाँ से, दीपक हुडा एक, चार, और रविंदर चहल एक, पाँच। ये पाँच आएगा सेफ इंडिया की तरफ से। और इधर से भी देख लेता हूँ सेफ कौन कौन आने वाले। इधर से जो सेफ आने वाले आर सेफर्ड एक, और एस ब्रुक्स एक, और के मेयर एक, ये चार। तो उधर में हमने पाँच लिया और इधर से एक दो तीन, इधर से तीन लिया, तो कितना हो गया आठ सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन से यहाँ से आपको मिल गया। अब रिस्की देखेंगे, रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन से कौन कौन होने वाले। रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन से होने वाला निकोलस पुरन, रबमेन पॉयल दो, एस ओपी एक तीन, और यहाँ से अपना मिल जाएगा अलजल जोसेफ नहीं चलेगा, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा सरदल ठाकुर एक चार, प्रतीप कृष्णा एक पाँच, और सूर्य कुमार यादव एक छः। ये छः प्लेयर आपको रिस्की में मिल जाएगा। तो आठ और छः कितना हुआ 14 कैप्टन वाइस कैप्टन से दिया मैंने आपको। अब 14 कैप्टन वाइस कैप्टन से अगर आप बनाते हैं तो आपको कितना टीम रेडी करना पड़ेगा, सात टीम रेडी करना पड़ेगा, तो फिर आपको 14 कैप्टन वाइस कैप्टन से मिल जाएगा। सात टीमों में से मैं यहाँ पर कितना टीम दे दिया, चार टीम दे दिया, बाकी रहा कितना टीम, तीन टीम बाकी रहा। ये जो बाकी के जो तीन टीम है ना, ये तीन टीम जो है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाएगा, दो ग्रैंड लीग प्लस एक स्मॉल लीग। तो यहाँ पर जो टीम है आप कॉम्बिनेशन रेडी कर लो, वीडियो देख लो। मैं आप लोग हमेशा बोलते हो कि भाई आप साइड में नहीं होते हो तो थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होता है, मैं साइड हो रहा हूँ, आप लोग फटा से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कैमरा से ही बाहर ज़्यादा चला जाता हूँ ताकि आप लोगों को देखने को मिल जाए कि कैप्टन वाइस कैप्टनसी जो है चॉइस जो मैंने दिया रिस्की और जोसेफ दिया है, वो भी आप जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग खुद से अपना टीम क्रिएट कर सकते हो। आप लोग बोल जाओ भाई आप लोग भाई आप परमानेंट मतलब कन्फर्म कैप्टन वाइस कैप्टनसी क्यों नहीं देते। अब देखो मेरा जो वीडियो है 1500 1000 2000 लोग देखते आए, अब अगर पूरा का पूरा टीम कॉपी उतारेगा और वही टीम अगर ग्रैंड लीग विन कर जाएगा तो आप सोचो कि वो टीम कितनों ने बनाया है, हजार लोगों ने बनाया, तो भाई फर्स्ट प्राइज लेकर भी कोई फायदा नहीं मिलेगा, फिर भी आपको एंट्री वापस मिलेगा क्योंकि हजार लोगों ने उसी टीम को बनाया है वीडियो देखकर। तो इसलिए मैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी नहीं बनाता हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर दे देता हूँ ताकि आप लोग खुद से थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाकर ये जो टीम है आप लोग रेडी कर सको। तो चलो दोस्तों वीडियो को इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं, और खत्म करने से पहले मैं बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिल जाए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं की हो तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो, क्योंकि आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करते हो तो सबसे ज्यादा गलती आपका ही होता है, क्योंकि टेलीग्राम पर जो प्रोवाइड किया जाता है फुल एंड फाइनल अपडेट, उसके साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है फुल एंड फाइनल टीम, वो भी फ्री में, क्योंकि अभी का जो जमाना है कोई फ्री का टीम नहीं देता, अगर देता है तो लॉस वाला टीम देता है। तो फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और चलो दोस्तों उसी के साथ करते हैं वीडियो को अंत। तो चलो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और जाते जाते चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। चलो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।